हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जियोमेट्रिक ग्रोथ की। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे थे तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि पॉपुलेशन ग्रोथ को हमने क्या किया, तीन टाइप के अंदर डिवाइड किया था। कौन कौन सी थी? जियोमेट्रिक थी, एक्सपोनेंशियल थी और लॉजिस्टिक थी। ठीक है, तो जियोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल के बारे में हमने देखा था कि ये कब हो रही थी, फेवरेबल कंडीशन में हो रही थी। यहाँ पर हमें अज्यूम करना पड़ रहा था कि यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो रिसोर्सेज जो है वो कैसे हैं, यहाँ पर अनलिमिटेड है। तो जियोमेट्रिक ग्रोथ कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलती है, तो इसकी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह से कि जियोमेट्रिक ग्रोथ के अंदर हम क्या चीज़ इंक्लूड करता है। तो जियोमेट्रिक ग्रोथ जो होती है ये हमें कब देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है फेवरेबल कंडीशन में। कब देखने को मिलेगी? फेवरेबल कंडीशन मतलब जब भी एनवायरमेंट के अंदर फेवरेबल कंडीशंस पाई जाएगी ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उस टाइम पे हमें जियोमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिलती है। इस जियोमेट्रिक ग्रोथ के अंदर हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं। अज्यूम का मीन मतलब हम मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा होता नहीं है हकीकत में, बट हम मानते हैं अज्यूम कि रिसोर्सेज जो है वो रिसोर्सेज कैसे है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, मतलब रिसोर्सेज कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन जो होगी, वहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो क्या करेंगे, कंटिन्यू ग्रो करेंगे। अगर हमें ये देखने को मिले कि ये जो जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है, तो जियोमेट्रिक ग्रोथ हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, तो ये हमें देखने को मिलती है ब्रीडर्स के अंदर। ये हमें किसके अंदर देखने को मिलेगी? पीरियोडिक ब्रीडर्स क्या होते हैं, मतलब जिनका ब्रीडिंग टाइम जो होता है वो फिक्स होता है। क्या होगा? पीरियोडिक ब्रीडर का मतलब है जिनका ब्रीडिंग टाइम फिक्स होता है, मतलब कि ये या तो जैसे साल में एक बार है, या फिर ये पर्टिकुलर किसी सीजन के अकॉर्डिंग वगैरह, तो उस टाइम पे ये क्या करते हैं, ये ब्रीड करते हैं, उस टाइम पे ये नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं। इसलिए हमें इनकी ग्रोथ जो है वो जियोमेट्रिक फॉर्म के अंदर देखने को मिलती है। पीरियोडिक ब्रीडर्स के अंदर अगर हम बात करें, तो इसके अंदर हमें जो ग्राफ देखने को मिलता है, वो ग्राफ हमें देखने को मिलता है जे शेप का। जियोमेट्रिक ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो जे शेप हमें कर्व देखने को मिलेगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? जे शेप का ग्राफ बनेगा। क्या? तो बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि जियोमेट्रिक ग्रोथ किस प्रकार की पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलती है, तो पीरियोडिक ब्रीडर्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। या फिर हमें ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर किस प्रकार का ग्राफ बनता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जे शेप का कर्व इसके अंदर बनता है। पीरियोडिक ब्रीडर जो होते हैं इनको हम एन्यूल ब्रीडर के नाम से भी जान सकते हैं। एन्यूल ब्रीडर मतलब साल के अंदर इनका जो ब्रीडिंग करने का टाइम जो होता है वो फिक्स होता है, वो सीजन के अकॉर्डिंग हो सकता है, मंथ के अकॉर्डिंग, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखा जा सकता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसके अंदर कि किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, तो जो एन्यूल ब्रीडर्स के अंदर क्या आ गए, जैसे इंसेक्ट्स आ गए, ठीक है, लार्ज प्लांट। इसके अलावा अगर हम एनिमल की बात करें, तो हमें काऊ, बफेलो, शेप, गॉट, हॉर्स, ये सारे के सारे जो एनिमल देखने को मिलते हैं, काऊ, हॉर्स, शेप, ये सारे के सारे हमें किसमें देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे हमें जियोमेट्रिक, या फिर हम बोल सकते हैं एन्यूअल ब्रीडर्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इनके अंदर पॉपुलेशन जो होती है वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन के साथ में इंक्रीज होती है। क्या होगा इनके अंदर? पॉपुलेशन जो इंक्रीज होगी विथ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन का मीन क्या होगा कि मतलब वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन के साथ में किस प्रकार से बढ़ेगी। जैसे कि हम अगर बात करें, हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं
कि सपोज कि ये एक ए पॉपुलेशन है, इस ए पॉपुलेशन का इनिशियल टाइम में इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म थे उनका नंबर था 25, ठीक है। ए पॉपुलेशन का इनिशियल टाइम में क्या था, 25 नंबर था। अब आफ्टर वन ईयर, क्योंकि एनुअल ब्रीडर ये पीरियोडिक ब्रीडर है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर एक टाइम लेते हैं। तो हमने देखा कि आफ्टर वन ईयर अगर हम इनके पॉपुलेशन को देखें तो इनका नंबर जो है वो कितना हो गया, 32 हो गया। तो दैट मीन्स कितने का इंक्रीजमेंट हुआ, 7 का। अब ये 32 जब वापस से जब नेक्स्ट ईयर करेंगे तो 32 से तो ज़्यादा ही होंगे ऑर्गेनिज्म, सपोज कि यहाँ पर 40 हो गए, तो कितना 8 ऑर्गेनिज्म इसके अंदर बढ़ गए। तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है यहाँ पर, कंटिन्यू इंक्रीजमेंट ही हो रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है कि जियोमेट्रिक ग्रोथ के अंदर पॉपुलेशन जो होती है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन के साथ में बढ़ती रहती है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, मतलब एक फॉर्मूला देखने को मिलता है जिसको हम नाम देते हैं नेट रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर हमें, नेट रिप्रोडक्टिव ग्रोथ देखने को मिलती है। क्या होता है नेट रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, जियोमेट्रिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए हमें फॉर्मूला मिलता है नेट रिप्रोडक्टिव रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट। ये जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट होती है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम आर प्लॉट से डिनोट करते हैं। ये जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट होती है इसको हम क्या करेंगे, आर नॉट से डिनोट करते हैं। क्या होता है नेट रिप्रोडक्टिव रेट, इसके अंदर क्या होता है कि एवरेज नंबर ऑफ स्प्रिंग कितने जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं। कोई एक फीमेल जो है वो एक फीमेल उसके लाइफ टाइम के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रही है, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, नेट रिप्रोडक्टिव रेट। सपोज कि ये एक ए फीमेल है, ठीक है, ये एक फीमेल ये क्या करती है अपनी लाइफ टाइम के अंदर ये 8 ऑफ स्प्रिंग को बर्थ देती है। क्या कर रही है, 8 ऑफ स्प्रिंग को बर्थ दे रही है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, नेट रिप्रोडक्टिव रेट हो गई कि एक फीमेल जो है वो क्या कर रही है, 8 ऑफ स्प्रिंग को बर्थ दे रही है। वहीं अगर हम पूरी पॉपुलेशन की बात करें कि सपोज ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इसके अंदर एक फीमेल जो है वो कम से कम क्या करती है, 8 से 10 ऑफ स्प्रिंग को बर्थ देती है। तो इनका जब हम एवरेज निकालेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 9 नंबर जो होता है, 9 नंबर की मतलब एक फीमेल मैक्सिमम 9 ऑफ स्प्रिंग तक को बर्थ दे सकती है। तो उनकी जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो उसके लिए जो हम डेफिनेशन यूज में लेते हैं वो डेफिनेशन कौन सी होती है, एवरेज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग, एवरेज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग, नंबर ऑफ स्प्रिंग दैट अ फीमेल प्रोड्यूस, that a female produce during her lifetime, during her lifetime। क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या होती है, आर नॉट जो होता है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई फीमेल अपने लाइफ टाइम के अंदर कितने नंबर के अंदर ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकती है, उसका जो एवरेज जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, नेट रिप्रोडक्टिव रेट बोलेंगे। अब अगर हम इसके अंदर इसके जियोमेट्रिक ग्रोथ को निकालने के लिए इसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम उसको फॉर्मूले को देखने से पहले हम इसके ग्राफ को देखेंगे। इसके लिए हम जे शेप का ग्राफ देखते हैं, कौन सा ग्राफ देखेंगे, जे शेप का। हमने बोला है कि जियोमेट्रिक ग्रोथ के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जे शेप का ग्राफ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पॉपुलेशन का इंक्रीजमेंट हो रहा है विद टाइम, और यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन की साइज बढ़ रही है, ठीक है। पॉपुलेशन की साइज बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, विद टाइम। तो किस प्रकार से ये बढ़ती है, तो ये इस फॉर्म में बढ़ती है,
ये इस फॉर्म के अंदर क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि पॉपुलेशन जो होती है, पॉपुलेशन की मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है, और यहाँ पर हमें कहीं पर भी एक जो स्टेबल कंडीशन जो होनी चाहिए, मतलब कि जहाँ पर एक ग्राफ जो होता है, वो ग्राफ जहाँ पर स्टॉप होना चाहिए, तो ग्राफ हमें स्टॉप होता हुआ नहीं दिख रहा है, हमें केवल ये कंटिन्यू ग्रो करता हुआ ही ग्राफ दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रही है, कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है। तो हम देखते हैं कि टाइम के साथ साथ में अगर हम इसको यहाँ से इस तरह से मेजर करें, तो हम क्या देखते हैं, ये जो टाइम के साथ साथ में पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ कर रही है। उसके बाद में अगर हम इसके मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज को देखें, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज क्या है, यहाँ तक आ चुकी है, लेकिन अभी भी अगर हम टाइम को देखते हैं तो टाइम क्या है, यहाँ पर टाइम अभी भी कंप्लीट नहीं है, अभी भी बहुत टाइम बाकी है, फिर भी क्या है, पॉपुलेशन जो है वो उसके मैक्सिमम ग्रोथ तक पहुँच चुकी है, और ये आगे भी कंटिन्यूस क्या कर रही है, ग्रो ही कर रही है। यहाँ पर हमें कहीं पर भी स्टेबल कंडीशन जो है वो इस ग्राफ के अंदर देखने को नहीं मिलती है। स्टेबल कंडीशन जो होती है वो हमें कहीं पर भी यहाँ इस ग्राफ के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इसीलिए क्या बोला है कि यहाँ पर अब ये स्टेबल कंडीशन कैसे हमें देखने को मिलती है, पॉपुलेशन कंटिन्यू ग्रो कर रही है, कंटिन्यू ग्रो कर रही है इन द सेंस कि यहाँ पर रिसोर्सेस होंगे तभी तो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, अगर रिसोर्सेस नहीं होंगे तो पॉपुलेशन ये ग्रो कैसे करेगी। तो इसीलिए बोला गया कि हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन कंटिन्यूस ग्रोथ कर रही है, और वो पॉपुलेशन कंटिन्यूस किस प्रकार से ग्रोथ कर रही है, जब उसको रिसोर्सेज अनलिमिटेड मिल रहा है। कैसे मिल रहे हैं, जब उसको रिसोर्सेज यहाँ पर अनलिमिटेड देखने को मिल रहे हैं। उस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर रिसोर्सेज अनलिमिटेड, ठीक है। तो हमें इस प्रकार का ये ग्राफ देखने को मिलता है जियोमेट्रिक ग्रोथ के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, तो इसके लिए जो फॉर्मूला जो आता है, फॉर्मूला हम यहां लिख देते हैं, जियोमेट्रिक ग्रोथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला जो यूज में लिया जाता है वो फॉर्मूला लिया जाता है एन टी इज इक्वल टू एन नॉट आर नॉट टी, ठीक है। ये फॉर्मूला हम क्या करते हैं, जियोमेट्रिक ग्रोथ निकालने के लिए यूज में लेते हैं, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट आर नॉट टी। अब अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर ये जो टी है, ये वाला जो टी है, ये टी किसको शो करता है, ये शो करता है टाइम ऑफ जनरेशन को। यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, टी जो है वो क्या है, टाइम ऑफ जनरेशन, मतलब कितनी जनरेशन के बाद हम पॉपुलेशन ग्रोथ को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। टाइम ऑफ जनरेशन का मीन होता है कि हम कितनी जनरेशन के बाद, एक जनरेशन के बाद में, दो जनरेशन के बाद में, तीन जनरेशन के बाद में हम उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ को देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, T इज इक्वल टू टाइम ऑफ जनरेशन, ठीक है। एन नॉट की अगर हम बात करें, ये एन नॉट जो होता है इसको हम एन जीरो नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं एन नॉट, ठीक है। तो एन नॉट जो होता है ये किसको शो करता है, ये शो करता है इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, किसको शो करेगा ये, इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हमें निकालनी है तो मतलब हम क्या देख रहे हैं, पॉपुलेशन की साइज में डिफरेंट को पता लगा रहे हैं, कितना डिफरेंस आया है, पहले कितनी पॉपुलेशन थी और अब कितनी पॉपुलेशन है। तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में हम पॉपुलेशन की साइज में डिफरेंस को देखते हैं। तो पॉपुलेशन की साइज में डिफरेंस हमें कब देखने को मिलेगा, जब हमें इनिशियल पॉपुलेशन पता होगी। अगर हमें इनिशियल पॉपुलेशन पता ही नहीं होगी तो हम पॉपुलेशन के साइज के अंदर कितना डिफरेंस आया है या पॉपुलेशन ने कितनी ग्रोथ करी है वो हम पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें एन नॉट जो होता है, एन नॉट हमें पता होना चाहिए, एन नॉट मतलब इनिशियल नंबर जो है पॉपुलेशन का वो कितना है, पहले कितनी पॉपुलेशन थी और कितने टाइम ऑफ जनरेशन के बाद में पॉपुलेशन जो है वो कितनी हो गई है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे टी। तो इसी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो एन टी है, ठीक है, एन टी को हम पता लगा सकते हैं। एन टी मतलब कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस विद द टाइम, कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो टाइम के साथ साथ में बढ़ रहे हैं, कितनी ग्रोथ हो रही है, ये शो करता है
एंड टी। अगर हम यहां पर एन एफ की बात करें, या ये जो एन टी है, इस एन टी को एन एफ भी बोल सकते हैं, हमें फाइनल पॉपुलेशन निकालनी है ना, तो ये होता है फाइनल पॉपुलेशन। फाइनल पॉपुलेशन, ठीक है, और फाइनल पॉपुलेशन कब होगी? आफ्टर गिवन टाइम। आफ्टर गिवन टाइम, जो दिया हुआ टाइम जो होता है उसके बाद में फाइनल पॉपुलेशन जो होती है वो कितनी होती है। ये जो एन टी है, इस एन टी को हम एन एफ भी लिख सकते हैं, यहाँ साइड में लिख देती हूँ। एन टी जो होता है, इसी एन टी को हम एन एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फाइनली क्या पता करना है, हमें उनके पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंस, पॉपुलेशन ने कितनी ग्रोथ की है, हमें उस चीज़ को मालूम करना है, हमें उस चीज़ का पता लगाना है। तो इस एन टी को हम क्या बोल सकते हैं? एन एफ भी बोल सकते हैं, फाइनल पॉपुलेशन भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें तो फाइनल पॉपुलेशन के बारे में ही पता करना है, ठीक है। और जो ये आर नॉट जो होता है, ये आर नॉट, ये क्या होता है? ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है, ठीक है, कि कितना आर नॉट, मतलब पॉपुलेशन नेट रिप्रोडक्टिव रेट। आर नॉट क्या है? ये नेट रिप्रोडक्टिव रेट जो होती है, तो ये हमें दे रखी होती है कि कितनी नेट रिप्रोडक्टिव रेट प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर हमें फाइनल पॉपुलेशन निकालने के लिए हमें उसकी नेट रिप्रोडक्टिव रेट जो होगी वो क्वेश्चन के अंदर दे रखी होती है, ठीक है। तो आर नॉट की बात करें तो ये क्या होता है? नेट रिप्रोडक्टिव रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, एन टी या फिर एन एफ इजिकल टू एन नॉट आर नॉट टी, ठीक है। ये जो एन टी जो होता है या फिर एन एफ जो होता है, इसको निकालने के लिए, तो इसको निकालने के लिए एक और फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं, जो होता है ये जो एन टी होता है इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक और फॉर्मूला यूज में लेते हैं। वो फॉर्मूला होता है एन टी इज इक्वल टू एन नॉट लैम्डा टी, ठीक है, एन नॉट लैम्डा टी। ये फॉर्मूला भी हम यूज में ले सकते हैं, लेकिन आपको केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है, आपके एग्जाम के अंदर एक ही फॉर्मूला पूछा जाता है। इसके अंदर वैसे तो न्यूमेरिकल कम पूछे जाते हैं, इसके ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर फॉर्मूला पूछे तो ये एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है। किसको निकालने का? जियोमेट्रिक ग्रोथ को निकालने के लिए, जियोमेट्रिक ग्रोथ को निकालने के लिए। अब अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टी हम यूज में लेते हैं, यहाँ पर टाइम ऑफ इंटरवल होता है, यहाँ पर हम जनरेशन टाइम यूज में नहीं लेते हैं, यहाँ पर क्या लेंगे हम? टाइम ऑफ इंटरवल। क्या लेंगे हम यहाँ पर? टाइम ऑफ इंटरवल। एन नॉट जो होगा, एन नॉट वही हो जाएगा इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन। और जो लैम्डा जो होता है यहाँ पर, लैम्डा क्या करता है? ये फाइनाइट रेट ऑफ पॉपुलेशन को प्रेजेंट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह से कि जो पॉपुलेशन के अंदर जो चेंज जो हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, उसको ये क्या करता है? प्रेजेंट करता है। तो ये क्या करता है? प्रेजेंट फाइनाइट रेट ऑफ पॉपुलेशन ओवर अ पर्टिकुलर टाइम, और ओवर अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना चेंज हुआ है उसके लिए हम क्या करते हैं? लैम्डा। तो लैम्डा जब हम निकालते हैं तो लैम्डा के लिए भी, यहाँ पर लैम्डा दिया हुआ नहीं होता है, लैम्डा हमें निकालना होता है, तो लैम्डा के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं एन वन अपॉन एन नॉट। अब ये जो एन वन होता है, ये एन वन क्या होता है? एन वन होता है फाइनल पॉपुलेशन, ठीक है। एन वन क्या होगा? एन वन होगा फाइनल पॉपुलेशन, और एन नॉट जो होगा, एन नॉट क्या होगा? इनिशियल पॉपुलेशन। तो हमें डिफरेंस वैसे ही पता चल जाएगा, इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये हम दो फॉर्मूले यूज में लेते हैं, एक एन टी इज इक्वल टू एन नॉट आर नॉट
टी, और दूसरा हम लेते हैं एन टी इज इक्वल टू एन नॉट लैम्डा टी। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, आपको केवल इसमें से कोई एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इससे जियोमेट्रिक ग्रोथ को निकाल सकते हैं। अब जो जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है, जियोमेट्रिक ग्रोथ को हमने क्या बोला था, इसके अंदर नेट रिप्रोडक्टिव रेट आती है, मतलब इसके अंदर आता है आर जीरो। तो जियोमेट्रिक ग्रोथ को हम कैसे पता लगाते हैं, इसको हम पता लगाते हैं आर जीरो नॉट की वैल्यू जो है वो कितनी आई है। किसे पता लगाएंगे हम, आर नॉट की वैल्यू जो है वो कितनी आई है। आर नॉट की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है, वो हमें बताती है कि पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीजमेंट हो रहा है या पॉपुलेशन के अंदर डिक्रीजमेंट हो रहा है। उसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से आर नॉट की वैल्यू आती है। उसके लिए क्या करते हैं हम, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब अगर क्वेश्चन अगर आता है और हमें पूछा जाता है कि यहाँ पर पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, उसके लिए क्या किया जाता है, हमें आर नॉट की वैल्यू दी जाती है। आर नॉट जो होता है, आर नॉट अगर वन के इक्वल होता है, अगर आर नॉट क्या है वन के इक्वल होगा, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें स्टेबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, स्टेबल पॉपुलेशन। ठीक है, आर नॉट की वैल्यू जो होती है, आर नॉट की वैल्यू अगर लेस देन वन आती है, आर नॉट की वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन अगर वन आ रही है, आर नॉट जो है वो क्या है, लेस देन वन आ रही है, मतलब आर नॉट की वैल्यू एक से अगर कम आ रही है, तो हमें पॉपुलेशन जो होती है वो डिक्रीज मिलती है। पॉपुलेशन कैसी होगी, डिक्रीज। कैसी होगी पॉपुलेशन, डिक्रीज। और अगर आर नॉट की वैल्यू जो होती है अगर एक से ज़्यादा आती है, तो हमें क्या दिखाई देता है, मतलब हमें क्या पता चलता है कि पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये तीन कंडीशन होती है, इसी कंडीशन के बेस पे हम पता लगाते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर जियोमेट्रिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, किस प्रकार से जियोमेट्रिक ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, या फिर पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल है। अगर जब हम स्टेबल पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें स्टेबल पॉपुलेशन में क्या देखने को मिलेगा, जो बर्थ रेट जो होती है या बर्थ जो होता है वो इक्वल होता है किसके, डेथ के। किसके इक्वल होगा, डेथ के इक्वल। ठीक है, मतलब जितने ऑर्गेनिज्म नए बर्थ ले रहे उतने उतने ऑर्गेनिज्म उनकी डेथ भी हो रही है, इसलिए हमें पॉपुलेशन के अंदर कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा। पॉपुलेशन हमें कैसी मिल रही है, स्टेबल पॉपुलेशन मिल रही है। अगर हम पॉपुलेशन डिक्रीजिंग की बात करते हैं, पॉपुलेशन डिक्रीजिंग कब होगी, जब बर्थ कम होगी और डेथ ज़्यादा होगी। बर्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डेथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तभी तो है ना, बच्चे जो होंगे, ऑफ स्प्रिंग जो होंगे, ऑफ स्प्रिंग का बर्थ तो कम हो रहा है, लेकिन वहाँ पर मरने वालों का नंबर जो है वो ज़्यादा है। तो जब मरने वालों का नंबर ज़्यादा हो जाएगा और न्यू प्रोड्यूस होने वाले ऑफ स्प्रिंग का नंबर कम हो जाएगा, तो हमें क्या होगी, पॉपुलेशन वहाँ पर डिक्रीज दिखाई देगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बर्थ रेट जो होती है वो, या फिर बर्थ हम बोल सकते हैं कि न्यू ऑर्गेनिज्म का बर्थ जो है वो डेथ से कम हो रहा है। और पॉपुलेशन इंक्रीज कब होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी जब बर्थ जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे, डेथ से। बर्थ जब हमें डेथ से हाई देखने को मिलता है, तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। तो इसके लिए एक ग्राफ यूज में लिया जाता है, हम उस ग्राफ को फटाफट देख लेते हैं। किस प्रकार का हमें ग्राफ देखने को मिलता है, हमें एक इस प्रकार का ग्राफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, नीचे क्या, ये क्या है, टाइम के साथ में यहां पर क्या है, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन की साइज। अगर हम सबसे पहले बात करें फर्स्ट वाले, ए वाले, इसको हम नाम दे देते ए, इसको हम नाम दे देते बी, और इसको हम नाम दे देते सी। अगर हम ए वाले की बात करें, तो ए वाले में हमें क्या, ग्राफ एरो जो है, एरो हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है, एरो जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा, ऊपर की तरफ जा रहा मतलब इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आर नॉट जो होगा
आर नॉट क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन वन हो जाएगा, तभी तो पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन क्या हो रही है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट। पॉपुलेशन क्या दिखाई दे रही है हमें, इंक्रीज दिखाई दे रही है। इंक्रीज दिख रही है मतलब कि यहाँ पर जो बर्थ है वो बर्थ हमें क्या दिख रहा है, बर्थ हमें ग्रेटर दिख रहा है डेथ से, ठीक है। तभी हम क्या बोलते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड हमें ये क्या दिखाई दे रहा है, ये इक्वल वे में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बर्थ और डेथ जो है वो क्या है, इक्वल है। बर्थ और डेथ जो है वो क्या है, इक्वल है। कि बर्थ और डेथ जब इक्वल होती है तो आर नॉट का मान क्या हो जाता है, आर नॉट जो होता है वो इज इक्वल टू वन हो जाता है, ठीक है। आर नॉट अगर इज इक्वल टू वन है तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो होगी, पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी, पॉपुलेशन यहाँ पर स्टेबल पॉपुलेशन हो जाएगी। मतलब पॉपुलेशन के अंदर ना तो इंक्रीजमेंट हो रहा है ना ही डिक्रीजमेंट हो रहा है। थर्ड हम बात करते हैं, थर्ड कौन सा आता है, थर्ड के अंदर हमें क्या दिख रहा है कि ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे की तरफ, एरो जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आर नॉट जो हो गया वो लेस देन वन हो गया। क्या हो गया, आर नॉट जो है वो लेस देन वन हो गया। लेस देन वन हो गया मतलब पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। पॉपुलेशन अगर जब डिक्रीज हो रही है तो हमें बर्थ रेट और डेथ रेट में क्या चेंज देखने को मिलेगा, बर्थ जो है वो कम है कंपेयर देन डेथ, ठीक है। तो ये इसका एक और ग्राफ, ये आपके कभी कभी बी सेक्शन के अंदर ये जियोमेट्रिक ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया, हमने केवल इसके ग्राफ को देखा और हमने इसके फॉर्मूले को देखा है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स वैसे भी आप लोगों के नहीं पूछे जाते बी सेक्शन के अंदर, आपकी केवल इसकी थ्योरी पूछी जाती है। तो ये थ्योरी हमने देख ली कि किस प्रकार से जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इसके हमने दोनों ग्राफ भी देख लिए, पॉपुलेशन किस प्रकार से इंक्रीज हो रही है, किस प्रकार से डिक्रीज हो रही है, कहाँ स्टेबल हो रही है। और अगर हम जनरल ग्राफ की बात करते हैं तो जनरल हमें जे शेप का ग्राफ देखने को मिलता है, ओके। थैंक यू।